गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं? मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप अच्छे से होंगे। सेल्फ टॉक सीरीज का ये सिलसिला, या यूं कहें ये कारवां, खुद से मुखातिब होने का और आपसे मुखातिब होने का, विशुद्ध रूप से सद्गुरुओं की कृपा से एक तरह का शेयरिंग का माध्यम है या शेयरिंग का मीडियम है, और शेयरिंग मित्रवत है, म्यूचुअली है। ये कोई गुरुडम या कोई गुरुता का भाव लेके या इस तरह की शेयरिंग नहीं है कि हम सिर्फ आपसे बात करें और आपके कमेंट्स या आपके जो भी व्यूज़ हैं उनको दरकिनार करें। तो बेसिकली ये सेल्फ टॉक सीरीज़ जो है, ये इस पूरे सेल्फ टॉक सीरीज़ का जो जीस्ट है वो पूरा सेल्फ के इर्द गिर्द घूमता है। सेल्फ यानी स्वयं। यदि देखें तो, क्योंकि ये सद्गुरुओं की कृपा से कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा या उनका आशीर्वाद है जिससे हम आपके आपसे मुखातिब हो पा रहे हैं या आपसे बात कर पा रहे हैं। सद्गुरुओं की संगत का इसमें बहुत, जो भी शेयरिंग है उसमें सद्गुरुओं की संगत का बहुत बड़ा असर है। तो यदि देखें कि जो स्वयं है, सेल्फ है, वो तीन तरह से घिरा हुआ है। एक रिलेटिव सेल्फ, एक एग्जिस्टेंशियल सेल्फ और एक इंडिविजुअल सेल्फ। अब यदि इसको पेरीफेरी में अपन, क्योंकि पीछे कई वीडियो में अब शेयर किया जा चुका है, पेरीफेरी में देखें तो पहला जो घेरा है वो है रिलेटिव सेल्फ का, दूसरा है इंडिविजुअल सेल्फ का, तीसरा है एग्जिस्टेंशियल सेल्फ का। अब जो सेल्फ है, सेल्फ कौन है, यदि प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ, तो यदि रिलेटिव सेल्फ के हिसाब से देखें तो मैं बालिन हूँ, आपका जो शुभ नाम होगा वो आप हैं। और यदि इंडिविजुअल सेल्फ पे लौट के जब आएंगे, रिलेटिव कहीं ना कहीं मम्मी पापा और घर वालों के दिए हुए नाम से ही हम पहचाने जाने जाते हैं। फिर उसके बाद इंडिविजुअल सेल्फ आता है कि आखिर मैं बालिंद हूँ और खुद का वजूद, खुद के बारे में जानना, खुद को पहचानना, स्व क्या है, स्व के बारे में कोशिश करना जानने की, समझने की। तो एक तरह से यदि देखा जाए तो इंडिविजुअल सेल्फ से ही राह निकलती है एग्जिस्टेंशियल सेल्फ के लिए। और एग्जिस्टेंशियल सेल्फ जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो इस शरीर को धारण किए हुए है, आपके शरीर को धारण किए हुए है, या ऐसा समझिए कि जो धाता है वो कौन है, जब वो नहीं रहेगा तो ये शरीर बेजान और जैसे कहते हैं कि निर्जीव, और सारी चीज़ें, सारे शब्द आप परिचित ही हो कि मृत हो जाएगा। तो वो जो धारण किए हुए है, वो जो धाता है, वो कौन है? तो शुरुआत कहाँ से होती है? रिलेटिव सेल्फ से, फिर इंडिविजुअल सेल्फ पे, फिर आते हैं अपन एग्जिस्टेंशियल सेल्फ पे। लेकिन ये क्रमशः होता है। अब आ जाते हैं ये राही जी के हिसाब से, ये जो तीन हमने पेरीफेरी बताई। अब सबसे बड़ी बात है कि जब सेल्फ के करीब आते हैं, तो सेल्फ के जब करीब आते हैं तो धीरे धीरे, जब सेल्फ के साथ हम सेल्फ को जानने की कोशिश करते हैं, सेल्फ के साथ समय बिताते हैं, तो पता चलता है आती जाती सांस का हमें अनुभव होता है कि सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। और जब सांस आती जाती है तो इस सांस के आने जाने में, वो आते समय भी और जाते समय भी कुछ पल के लिए ठहरती है। वो जो ठहराव है वो इतना महत्वपूर्ण है, वो इतना महत्वपूर्ण है कि योग
का पूरा योग की टीचिंग है महर्षि पतंजलि की, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो जो अंतिम सीढ़ी है आठवीं सीढ़ी जिसको कहें समाधि, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है इस गैप का। अब आ जाते हैं सातवीं जो सीढ़ी है ध्यान की, होशो की। देखिए अब देखिए यहाँ पे एक नई चीज़ हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि ओशो की ये करुणा ही है कि हम सब के लिए उन्होंने कहा कि अब ठीक है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, ठीक है ये सब ठीक है, क्रम है कोई दिक्कत नहीं, पर चलो ध्यान से शुरू करो, ये ओशो की करुणा है। तो जब हम ध्यान में जाते हैं तो धीरे 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 सांस के साथ दोस्ती होती है, जो हमारी आपकी सांस है, और वो सांस के साथ जब दोस्ती होती है तो पता चलता है कि जब सांस आ रही है तब भी थोड़ी देर ठहरती है और जब सांस जाती है तब भी थोड़ी देर ठहरती है, और ये जो ठहराव है ये जितना गहरा होता जाता है, जितना जितना लंबा होता जाता है ठहराव उतना गहरा होता जाता है, या कहें जितना गहरा होता जाता है उतना लंबा होता जाता है। ये ठहराव इतना महत्वपूर्ण है हमारे आपके जीवन में, ये ठहराव इतना महत्वपूर्ण है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अभी कल्पना कर रहा हूँ सद्गुरुओं की संगत से, अभी मैं उपलब्ध नहीं हूँ, अभी मैं मतलब ऐसा समझिए कि आपके जैसा हूँ, साधक हूँ जैसे आप हैं, दैनिक जीव को पार्जन करते हुए अपनी दिनचर्या को करते हुए उसी तरह मैं भी हूँ, कहीं अलग से कुछ भी नहीं है, और अपने आप को साधने की कोशिश कर रहा हूँ, सारी कमियाँ सारी सब कुछ मौजूद हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल दिव्य पुरुष हैं, सारी परेशानियाँ सारी कमियाँ सारी दिक्कतों सारी सब के बावजूद लगातार कोशिश है कि अपने आप को धीरे 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 अब कैसे भी करके अपने आप को समय दें, उस समय देने में सांस को देखें। तो ये आप भी कर सकते हो, ये जितना सब कुछ बता रहे हैं कुछ ऐसा नहीं है कि ये किया नहीं जा सकता, मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं, और कैसे बताऊँ कि कितना संघर्ष मेरे जीवन में है यदि उस तरह से देखा जाए दैनिक जीवन को जीने के लिए, और यदि मैं कर सकता हूँ तो मुझे पूर्णतः पूर्ण विश्वास है, और मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि इसको आप अच्छे से कर सकते हो। तो अब आ जाती है सारा का सारा जो सेल्फ टॉक सीरीज़ में बार बार एक चीज़ आती है, आप पीछे के वीडियो सुनेंगे देखेंगे तो रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट, ये टैग लाइन है रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट, ये सिद्ध श्री सर्वेश राय जी गुरु श्री के द्वारा, हम लोग जब उनसे शुरुआत में मिलने गए तो हम लोगों को सबको यही चीज़ उन्होंने बोली थी, मुझे अच्छे से याद है कि वो कहते रहे कि रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। ठीक है सब सारे विषय हैं दैनिक जीवन में, उस समय भी थे, उस समय की अलग परेशानियाँ थी, क्योंकि हम पढ़ रहे थे तो उस समय की अलग परेशानियाँ थी, पर थी ऐसा नहीं है कि नहीं थी, तो उस समय भी राही जी जो बोलते थे वो उस समय के लिए भी सही है आज के लिए भी सही है, रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। क्योंकि जितने भी विषय हमारे दैनिक जीवन में हैं 24 घंटे के, उन विषयों से लौट के हम जब तक खुद पे नहीं आएंगे तब तक ये सारी चीज़ें जिसकी बात हुई है पिछले वीडियो में भी या अभी हो रही है या आगे भी होगी, वो सारा का सारा दारोमदार लब्बो लबाव ये है कि खुद पे लौट के आना। यदि हम खुद पे लौट के नहीं आएंगे, खुद को समय नहीं देंगे, खुद से मुखातिब नहीं होंगे, खुद को देखने का या खुद को
खुद के अनुसंधान का समय हमारे पास नहीं रहेगा तो सारी बातें बेमानी हैं। और मुझे ये लगता है कि सब कुछ मौजूद है, सेल्फ मिसिंग है हमारे आपके जीवन में। मैं तो अपने आप को पिछले 10-11 लगभग 2 तारीख से एक प्रयोग शुरू किया है। मैं अपने बहुत ही प्यारे मित्र के साथ, बचपन के साथी के साथ, या कह लीजिए छोटा भाई या कह लीजिए, तो हम दोनों एक प्रयोग को कर रहे हैं। आने वाले समय में उस चीज़ को ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। अभी उसका सही समय नहीं हुआ है। तो अच्छे से फील हो रहा है कि हम लोगों के जीवन में वो चीज़ मिसिंग थी जिसके होने से अब एक चीज़ तो ये कहनी पड़ेगी कि जिसके नहीं होने से जो मिस था, तो कहीं ना कहीं हमारे पतन का या हमारे जो आज की हमारी ग्रोथ है, जो आज तक की हमारी ग्रोथ या अप्रोच या जो भी कहें या जो भी खोज कहें, वो सारा का सारा घूम फिर के वो जो चीज़ जिसकी बात कर रहा हूँ, जिसको मैं बार बार, मैं क्या सद्गुरुओं की संगत से ये सारी चीज़ें आई हैं, जो सेल्फ है वो जो मिसिंग थी, वो मिसिंग की वजह से बहुत कुछ मिस किया है। ये 10-12 दिन में हम लोगों को अनुभव आ रहा है, क्योंकि एक प्रयोग के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में कुछ आपसे जो चीज़ें शेयर करेंगे तो वो अति महत्वपूर्ण होंगी हमारे आपके दैनिक जीवन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी प्रयोग से गुजर रहे हैं। आप भी दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ प्रयोग कर ही रहे होंगे। कुछ ना कुछ जीवन का संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में चल रहा है। हर व्यक्ति से यदि पूरा उसकी स्कैनिंग की जाए तो उसके अपने संघर्ष हैं दैनिक जीवन को जिलाए रखने के लिए, दैनिक जीवन में अपने आप को जीवित रखने के लिए। हर व्यक्ति के अपने अपने अलग अलग संघर्ष हैं, और हर व्यक्ति उससे निकलने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने कोशिश करता है। अब ये अलग बात है कि अब इसको क्या कहा जाए कि सद्गुरुओं की कृपा या ईश्वर की कृपा है। यदि वही उनकी कृपा ही होती तभी हम भावसागर से निकलते हैं, नहीं तो वो जो घनचक्कर है उसी में अपन घूमते रहते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें बहुत बड़ी कृपा है सद्गुरुओं की और ईश्वर की कृपा। बिना ब्रह्मा की इच्छा और बिना सद्गुरुओं के आशीर्वाद के पार पाना तो संभव ही नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही पॉजिटिव। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो थंब रूल हैं, उसमें जैसे कि पॉजिटिव रहना, कोशिश करते रहना, और कोशिश नहीं करेंगे तो निराशा हाथ आएगी, और निराश होंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ बात होगी। तो कोशिश करते रहें, धीरे धीरे कदम उठा के चलते रहें। विपरीत परिस्थितियां हैं तब पे भी, कुछ भी दिक्कत है, बहुत परेशानी है तब पे भी घनघोर संकट है तब पे भी। ये मैं अपने आप से भी बोल रहा हूँ, आपसे कोई उपदेश जैसी बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ये वीडियो म्यूचुअल शेयरिंग का एक माध्यम है। यदि आपने सुना, आपको अच्छा लगा, तभी आप इसको शेयर करें, नहीं तो भूल जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।